वेल हे हाउ आर यू गाइस टुडे। सो आज ये वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अबाउट माय चाइल्डहुड इयर्स। वेल जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी एडवाइसेज मिलती हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीपल अराउंड अस। वेल दो एडवाइसेज जो मुझे याद हैं ड्यूरिंग ग्रोइंग अप इयर्स। नंबर वन, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज टू डू थिंग्स, एक राइट वे एंड सेकेंड वे। वेल एनी गेसेस? वेल इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, इट्स एक्चुअली राइट और अगेन। सो दो तरीके हैं डूइंग इट राइट और डूइंग इट अगेन। सेकेंड एडवाइस जो मुझे याद है वो है, पुट थिंग्स बैक एग्जैक्टली एज यू फाउंड देम। मतलब जब भी कोई चीज़ आप यूज़ करो, मे बी टॉयज इन यंगर एज और योर लैपटॉप दीज डेज, उसको अपनी जगह पे रखो आफ्टर यूजिंग दैट थिंग। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है टू बी मोर ऑर्गेनाइज, एंड एवर सिंस माई चाइल्डहुड मुझे एक ऑब्सेशन है टू बी एन ऑर्गेनाइज पर्सन, एंड दैट्स वाई आई ट्राई माई बेस्ट अपने रूम को या अपनी वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। एंड दैट्स प्रॉबेबली वाई मुझे अच्छा लगता है सबको अपने लैपटॉप पे एलिगेंटली डिजाइंड ट्री लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें। बट ऑफकोर्स ऑर्गेनाइज पर्सन इज मच मोर देन जस्ट लैपटॉप्स के फोल्डर को अरेंज करके रखें। सो आज मैं ये वीडियो में आपको आई विल टेल यू सेवन थिंग्स जो ऑर्गेनाइज लोग करते हैं जो शायद आप नहीं करते। बट नाउ आई नो शायद आप अभी डिफेंसिव हो रहे होंगे, एंड इन योर डिफेंस हाँ आप शायद इनमें से एक या दो चीज़ें करते होंगे या शायद दो या तीन करते होंगे। बट क्या आप ये ऑल सेवन थिंग्स करते हो? वेल लेट्स गो थ्रू द लिस्ट टू फाइंड आउट। So let's get started. Item number one, organized log अपने brain पे rely नहीं करते हैं to store information, because organized people understand कि हमारी memory is not foolproof. मतलब कि हम भूल सकते हैं चीज़ों को in our mind, especially जब हम उन्हें ज़्यादा use नहीं करते। So जब उन्हें कोई भी चीज़ याद रखनी होती है तो वो एक system का use करते हैं जिसको वो trust करते हैं। But ये system क्या है and ये कैसे different है आपकी memory से? वेल एक सिस्टम जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो वो ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपना डेटा लूज नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली दिस रूल्स आउट योर ब्रेन, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं इन आर डे टू डे लाइफ। बट इट मे ऑल्सो रूल आउट अ पेपर नोटबुक अगर आप उस नोटबुक को कोई बैकअप नहीं रखते, जो कि मोस्टली लोग नहीं रखते। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सेफ हैं टू कीप आवर डेटा, मतलब आप डेटा लूज नहीं कर सकते, जैसे कि एवरनोट, गूगल ड्राइव या आईफोन पे बेसिक नोट्स ऐप। ये सिस्टम्स बैक्ड अप हैं ऑन सेवरल डिफरेंट सर्वर्स एंड ये आपका डेटा सेफ रखते हैं, इवन इफ अगर आपका लैपटॉप या फोन खराब हो जाए या चेंज हो जाए तब भी डेटा क्लाउड में रहता है एंड इट्स सेफ। सिस्टम की सेफ्टी के बाद जरूरी है ईज ऑफ एक्सेस, मतलब उस सिस्टम को यूज करने की आसानी। तो अगर आप ट्रेडिशनल पेपर नोटबुक को यूज करना चाहते हो तो मेक श्योर आप इसे अपने इस नोटबुक को अपने पास हमेशा रखें, और अगर ये एक नोट टेकिंग सिस्टम है डिजिटाइज वे में, मेक श्योर कि वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम हो, सो दैट आप कभी भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, नो मैटर टाइम एंड लोकेशन और डिवाइस। मोर इम्पॉर्टेंटली आपका डेटा वेल ऑर्गेनाइज एंड ईजिली सर्चेबल होना चाहिए ऑन दिस सिस्टम। सो आई यूज एप्पल नोट्स एंड गूगल ड्राइव फॉर कीपिंग माई डेटा। मेरी नोट्स ऐप में डिफरेंट फोल्डर्स बने हैं रिलेटेड टू माई वर्क, आइडियाज, हेल्थ, एंड जब भी मुझे कोई थॉट आता है तो आई पुट दिस इन टू माई सिस्टम। वेल इस प्रोसेस को ब्रेन डंप भी बोलते हैं, मतलब ब्रेन से निकाल के इस सिस्टम पे डालो। सो मुझे कभी भी कोई आइडिया या थॉट आता है जो मुझे याद रखना है या फिर बाद में यूज़ करना है, मैं उसको इमीडिएटली इस सिस्टम पे लिख देता हूँ। वेल आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो इस सिस्टम पे एंड नेम इट एज ब्रेन डंप एंड पुट थिंग्स हियर एंड नॉट इन योर ब्रेन, बिकॉज ऑर्गेनाइज पीपल वर्क थ्रू दिस सिस्टम। सेकेंडली, ऑर्गेनाइज पीपल रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ मीजोप्ला। वेल ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इनफैक्ट इसका रेफरेंस एक बुक किचन कॉन्फिडेंशियल में है, जहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब करते हैं मीजोप्ला एज सेटअप, मतलब आपकी सराउंडिंग में सब चीज़ें अपनी जगह पे होना, एंड अगर ऐसा हो तो दिस ऑल्सो शोज योर ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ माइंड। एंड इन फूड इंडस्ट्री ये कॉन्सेप्ट सारे प्रोफेशनल शेफ्स बाय हार्ट फॉलो करते हैं, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इट लिटरली मीन्स कियोस में वर्क करना, एंड दे डोंट वॉन्ट कि गैस पे खाना बन रहा है एंड दे आर सर्चिंग फॉर नाइफ या समथिंग एल्स। सो वो हमेशा काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करते हैं एवरीथिंग इज इन प्लेस। एंड ये कॉन्सेप्ट जितना वैल्यूएबल कुकिंग के लिए है उतना ही हम सब के लिए ऑन आवर डेली बेसिस। सो मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट करेक्टली सेटअप हो बिफोर यू बिगिन योर वर्क। एंड यस, रिमेंबर जब काम फिनिश हो तो पुट थिंग्स बैक एग्जैक्टली एज यू फाउंड देम, मतलब काम के बाद सही जगह पे रखना सारी चीज़ें। वेल आइटम नंबर थ्री, ऑर्गेनाइज पीपल मेक श्योर टू लेबल थिंग्स, और लेबल करना उन थिंग्स को नहीं जो कि आप यूज़ करते हैं बल्कि उन चीज़ों को भी जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। वह कितनी बार ऐसा होता है कि आपके घर में या ऑफिस में ऐसी चीज़ें हैं जो आप वंस इन अ वाइल यूज़ करते हैं, मे बी स्पेशल ओकेजंस पे या फिर साल में एक या दो बार। वेल इमेजिन अगर आपको उसको लेबल नहीं किया हुआ है तो अगर आफ्टर सम टाइम इट माइट बी क्लीनिंग अप
आप उसको ओपन करोगे एंड यू विल फॉरगेट इसमें क्या है, एंड यू अगेन वेस्ट योर टाइम. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. मेरे रूम में एक पैकेट रखा है जो मैं यूज करता हूँ व्हेनेवर आई गो आउट. वेल इसमें स्पेयर चार्जर होता है और सिमिलर चीजें हैं दैट आई यूज ओनली वंस इन फ्यू मंथ्स. सो मैंने इस पैकेट को लेबल किया है ट्रैवल पैक एंड आई नो कि ये पैकेट आई विल यूज ओनली व्हेन आई नीड टू गो समवेयर व्हेनेवर आई एम रेडी टू ट्रैवल. इट इज ईजी टू फाइंड एंड मुझे पता है कि ये पैकेट का यूज क्या है. Well, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. देर माइट बी अदर थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे लेबल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रॉअर जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखते हो, लेबल इट एज इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड आई नो शायद आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड, ये लेबलिंग करना है एंड ऑल दिस इज जस्ट टू मच, ये तो नर्ड या स्टूडियस लोग करते हैं. बट एक्चुअली ऑल फेमस पीपल जो ऑर्गेनाइज हैं, दे फॉलो ऑल दीज सेवन थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग. एंड हाँ, वो भी लेबल्स यूज करते हैं टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. Well, item number 4. Organized people are mindful of important things in life. Well, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें टेक केयर करना होता है. फूड, मे बी एकेडमिक्स, वर्क, लाइफ गोल्स, रिलेशनशिप्स एंड मेनी मोर. ये सब हमारी लाइफ की डिपेंडेंसीज हैं, मतलब हमारी लाइफ इन पर डिपेंड करती है. एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज पीपल एंड डिसऑर्गेनाइज पीपल ये है कि डिसऑर्गेनाइज लोग कॉन्स्टेंटली इन सबको मैनेज नहीं कर पाते. And they are caught off guard, मतलब वो prepared नहीं होते हैं इन सब को handle करने के लिए. But on the other hand, organized people हमेशा forward looking होते हैं, मतलब they plan ahead about these life dependencies, कि उनको क्या करना है for these dependencies in future. वो mindful होते हैं and back of the mind, उनके mind में एक active mind चलता रहता है about these important things in life. So for instance, an organized person watching TV and then उसको suddenly याद आता है कि एक project submission है and for that he needs some work from his friend. तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करके इंक्वायर करता है अबाउट द स्टेटस ऑफ द वर्क एंड इट्स कम्प्लीटली अनरिलेटेड बिकॉज टीवी देखते हुए हिज माइंड इज स्टिल माइंडफुल ऑफ द डिपेंडेंसीज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. दैट इज व्हाट आई कॉल एज फ्यूचर थिंकिंग, फ्यूचर फॉरवर्ड. श्योरली ये मेंटल पैटर्न फॉर्म करने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है एंड आप इस हैबिट को ओवरनाइट नहीं डेवलप कर सकते. बट आई बिलीव अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट दिस इज इस वीडियो के बाद टेक आउट फ्यू मिनट्स एंड इस टाइम में कॉन्शियसली अपनी डिपेंडेंसीज लिस्ट करो. और ऐसा करने से आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट जो स्कैटर्ड लगते हैं, ओवर टाइम आपके माइंड में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएंगे एज योर प्रायोरिटीज एंड इन सम टाइम इट विल बिकम योर सबकॉन्शियस पैटर्न. वेल, आइटम नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड पीपल लिव बाय द मंत्रा बी रेडी फॉर कंटिंजेंसी, मतलब दे हैव अ कंटिंजेंसी ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ बैकअप प्लान. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेनेवर आई गो टू मीट समवन, मेरे पास एक कंटिंजेंसी प्लान होता है अगर वो लेट हो गए. मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं किसी से मिलने जाता था एंड वो टाइम से नहीं पहुंच सके फॉर एनी रीजन, आई यूज टू गेट अ वेरी बैड फीलिंग दैट माई टाइम इज बीइंग वेस्टेड एंड इसकी वजह से आई यूज टू फील वेरी इरिटेटेड. बट जब मैंने, जैसे मैंने लास्ट स्टेप में आपको बताया, अपनी लाइफ डिपेंडेंसीज लिस्ट डाउन करी, देन आई रियलाइज टाइम प्रोडक्टिविटी इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड हेंस आई एम रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज फॉर माई एक्सपीरियंस. सो अब जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ वेटिंग आइडल, मैं अपने साथ एक बुक लेके जाता हूँ where I read, या फिर I keep my laptop with me and I write these scripts for these videos. ऐसा करने से I don't feel unproductive and वो wait time जो पहले एक irritation बन जाता था, अब pleasure बन गया. So जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ, तो मेरा contingency plan है या backup plan है to read a book or write a script in case he or she is running late. Just remember, अगर कोई भी चीज़ आपकी life में interruption बन सकती है, make sure कि आपके पास उसका backup plan so that you can go with your day hassle-free. Well, item number 6. Organized people set up things in a way जो उनके लिए useful हो या उनके हिसाब से काम करता हो and not simply based on standard norms या जैसे सब लोग करते हैं. Now, इसका एक बहुत अच्छा example comes from Anthony Bourdain's book Again Kitchen Confidential. इस book में he talks कि generally chefs की inventory kitchen में alphabetically store होती है और ये एक बहुत obvious way है. But the author, he doesn't do it this way. Instead, he organized अपनी inventory sheet in a different way. Items mirrored the geographical location of everything in the kitchen. It's just different for him. So a conventional way जो लोग follow करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी same follow करें अगर आपको वो suit नहीं करता. Rather, start with those ways and if it suits, great. But अगर conventional way suit नहीं करता, तो experiment and develop your own way to be as effective as you possibly can. And finally, organized people are very deliberate about what they own, what they buy and what they choose to keep. मतलब जो भी चीज़ वो ओन करते हैं या बाय करते हैं या अपने पास रखते हैं, वो डेलिबरेटली करते हैं एंड दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर मी. कुछ टाइम पहले तक आई नेवर यूज्ड टू बी डेलिबरेट इन माय बाइंग एंड मुझे जो भी अच्छा लगता था आई यूज्ड टू गो एंड बाय. बट रिसेंटली व्हेन आई लर्न दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आई बिकेम मोर डेलिबरेट ऑफ थिंग्स दैट आई बाय.
तो मैं अब वही चीज़ें बाय करता हूँ जो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, या दैट ब्रिंग्स मी यूटिलिटी और जॉय, एंड आई डोंट वॉन्ट टू कीप थिंग्स अराउंड जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज मैं अपनी स्पेस को क्लटर नहीं करना चाहता। और आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आप भी ये अपने माइंड में रखें, बिकॉज रिमेंबर, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ओन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए एनर्जी और टाइम लगेगा टू मेंटेन देम, या उन्हें स्टोर करने में और कीपिंग देम ऑर्गेनाइज्ड। और रिमेंबर कि ऑर्गेनाइज्ड लोग अपने अवेलेबल टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ऑर्गेनाइज करने में। आई मीन, अगर आपके यहाँ सारा टाइम ऑर्गेनाइज करने में लगा दोगे, देन दैट्स द वेरी एंड। सो वी डिलिब्रेट जो भी आप बाय करें, एंड आस्क योरसेल्फ, क्या मैं ये बाय कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे हैप्पीनेस देगा, या मे बी ये मेरे लिए यूजफुल है, या ये मेरे लिए टाइम सेव करेगा, या फिर मैं ये बाय कर रहा हूँ फॉर सम स्टूपिड रीजन, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए। एंड दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू न्यू थिंग्स, सिमिलरली थिंग्स जो आप ऑलरेडी ओन करते हैं। आस्क योरसेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये मैं किसी को डोनेट कर सकता हूँ, या फिर इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किसी और को, या कैन आई गेट रेड ऑफ इट बिकॉज ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं रही anymore? वेल, डू दिस अलॉन्ग विद अदर सिक्स थिंग्स जो मैंने इस वीडियो में मैंशन करी है, एंड बहुत जल्दी आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन बन सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस आउट एनी फर्दर न्यू वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज Shirish G, Shirish G AA, एंड येस ऑफकोर्स यू कैन चेक आउट मोर वीडियोज ऑन दिस चैनल। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।